वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग सिंपल एंड ईजी किचन पैंट्री सारे सामान ऑर्गेनाइज करेंगे हम विथ क्लिन एंड आइटम्स द फर्स्ट आइटम इज़ द सेट्स सारे ट्वेल्व सेट्स है कंटेनर्स एयर टाइट कंटेनर्स ये सारे मैंने मीशो से बाय किए हैं बाय करने से पहले सबको वॉश कर लेना है मीडियम साइज है एंड हंड्रेड थाउजेंड एम है इन सबको अच्छे से पहले वॉश कर लेना है या मैंने व्लॉग्स में अनबॉक्सिंग कर नहीं दिखाया वो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है ये मैंने वीडियो में अपलोड किया है इसे अच्छे से वॉश कर लें आप पहले उसके बाद हम सारी बैंडरी को ऑर्गेनाइज करेंगे वीकली ब्लॉग मैं अपलोड किया है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई एम न्यू टू द यूट्यूब ये देखिए मैंने वॉश कर लिया टूए एयर टाइट कंटेनर्स हैं ये सारे इसे अच्छे से पहले ड्राई कर लेंगे सेकेंड आइटम मैंने बाय किया है ये सिंक मैट सिंक के साइड रखने वाले मैट ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किया है नाउ अब आते हैं सारे किचन पैंट्री सामान के तरफ यहाँ पे मैंने जितने वीकली बहुत सारे सामान थे बट मैंने थोड़ा सा सामान ही शो किया है सारे कंटेनर्स में मैं आप सारे अनबॉक्सिंग करूँगी सब में डालूँगी ये देखिए ये सब कुछ ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है ऑनलाइन नहीं है अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट नंबर थ्री विच इज़ द स्टिकर्स ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है ये देखिए ये सारे हमारे नट्स स्पाइसेस पिकल्स सबके स्टिकर्स है ये हमारा जो कंटेनर्स अभी हमने वॉश किया था ये स्मॉल कंटेनर्स है जो अपने दाल रखना है ड्राई फ्रूट्स रखना है यहाँ पे मैंने सारे दाल अपने कंटेनर्स में फिल कर लिए हैं अब इसे मैं जो मेरा प्रोडक्ट था मैंने आपको दिखाया प्रोडक्ट नंबर थ्री स्टिकर्स ये रहा ये स्टिकर्स को हम अप्लाई करेंगे विच इज़ वेरी लुक्स वेरी क्लासी बहुत अच्छा आपके किचन को बहुत सुबर लुक देता है ये देखिए चना दाल लग रहा है ना द कंटेनर ऑल्सो लुकिंग सो गुड ये है लाल मसूर की दाल ये चना दाल ऐसे करके हम अपने सारे कंटेनर्स को प्लेस कर देंगे किचन में ये इससे हमारा किचन और भी एस्थेटिक और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक लगता है यहाँ पे मैंने राइस फिल किया ये देखिए थाउजेंड एम का ये कंटेनर है सारे कंटेनर्स एयर ट्राइट है ये रहा राइस राइस भी मैंने कर लिया अब ये हो गए अब हम आते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ बेसन ग्राम फ्लावर ये मैंने स्पाइसेस की ये भी जार्स हैं ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं ये ग्लास जार्स हैं हंड्रेड टू वन टवेंटी एम के जार्स हैं इसमें अच्छे से बहुत ही एस्थेटिक लुक आता है ये देखिए टर्मरिक पाउडर ऐसे करके मैंने सारे ब्लैक पेपर पाउडर अब मैंने फिल किया कोरिएंडर पाउडर ये सारे स्टिकर्स आप अगर ये अब ले लोगे ना तो आपकी पैंट्री में ये बहुत एस्थेटिक लुक देता है और किचन बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है अभी सारी चीज़ों को मैं प्लेस करूँगी जहाज़ मैंने फिल कर लिए हैं जहाज़ फिल करने के लिए भी उसमें सब अब हम कंटेनर्स को रखेगा हमारे पास किचन काउंटर टॉप है अब हम आएँगे अपने किचन काउंटर टॉप को पहले डेकोरेट करेंगे यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट लिया है दिस लुक्स आल्सो वेरी एस्थेटिक ये बहुत किचन को बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये कंटेनर है फ़ोर सेवेंटी फाइव का ये भी मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है ये प्लास्टिक नहीं है ये हार्ड है मेटल टाइप है ये कंटेनर्स इसे आप किचन अपने काउंटर टॉप में रखिए ये अच्छा खासा लोड यहाँ पे मैंने देखी सॉल्ट कंटेनर रखा है स्पाइसेस रखे हैं और मेरे सारे दाल मैंने लेंटे जो भी कंटेनर्स में फिल किए थे ये सब रखा है जागरी पाउडर चना दाल पाउडर ये धीरे धीरे आप इसे अपने वे में आप ओनली स्पाइसेस रख सकते हैं ऑयल स्पिल्स के कंटेनर्स भी रख सकते हैं सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल देव बहुत सारे वीडियोज़ और भी किचन टिप्स और ट्रिक्स के साथ आएंगे रेसिपीज़ होम डेकोर एंड मैनी मोर जस्ट लुक हाउ योर किचन इज लुकिंग है ना ये एस्थेटिक ये हमारा ये सारे मैंने ऑफलाइन परचेज किए ये ऑनलाइन नहीं है दिस इज़ द मनी प्लान ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया है दिस इज़ द प्रोडक्ट नंबर फोर आई थिंक फाइव ये सारे जूट के इसमें आप किचन में आप फ्रूट्स रखो आप ऑयल के बॉटल्स रखो मग्स रखो सो लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डेली वीडियोज़ तो नहीं आएंगे वीकली वीडियोज़ विल कम सून ऑल द न्यू प्रोडक्ट्स थैंक यू बाय टेक केयर